नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा एलर्जी होती है, बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम वाला रहता है, या फिर आपकी नाक की हड्डी बढ़ चुकी है, क्योंकि नाक की हड्डी बढ़ जाने के कारण भी बार बार नाक बहता रहता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत सारे सूजन जैसा महसूस होता है, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आज हम यहाँ पर कुछ लक्षण भी जानेंगे, कुछ कारण जानेंगे और कुछ उपाय जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे सबके साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। कि हड्डी बढ़ने पर व्यक्ति को सर्जरी करानी पड़ती है और बहुत सारा लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि आपका नाक की हड्डी का इलाज प्रॉपर हो जाए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि थोड़ा सा ही शुरुआती जो लक्षण आपको दिखाई देता है कि आपका बार बार सर्दी जुकाम बन रहा है, आपका नाक बार बार बह रहा है, आपको सुगंध महसूस करने में थोड़ा समय लगता है, तो इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। बीच दो पतली हड्डियां होती है जो हमारे नाक को दो भागों में बांटती है। जो हमारे नाक के दो नथुने होते हैं वो दो अलग तरह से विभाजित रहते हैं। नाक के अंदर टर्मिनेट नामक एक लंबी बनावट है जिसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का सूजन आ जाती है, चोट लग जाती है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको इस प्रकार से नाक की हड्डी बढ़ने लगती है, सर्दी जुकाम बढ़ने लगता है। नाक की हड्डी बढ़ने के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हड्डी बढ़ना या नाक का हड्डी का टेढ़ा होना दोनों ही एक ही बात है। अगर आपको किसी कारणवश से आप खेलते हुए बच्चे हैं, जैसे अगर खेलते हुए गिर जाता है और नाक की हड्डी पर चोट लग जाती है तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। बड़ा कारण होता है कि चोट लगने के कारण किसी न किसी कारणवश से आपकी नाक की हड्डी में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है और या तो वो टेढ़ी हो जाती है या फिर बढ़ने लगती है। लोगों के अंदर इस प्रकार की समस्या होती है कि जो नाक की हड्डी होती है वो जन्म से ही इस प्रकार से होती है, तो टेढ़ी होती है या फिर उसकी बनावट में ज्यादा लंबाई होती है, जिसके कारण उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। भी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम लगता है तो नाक की हड्डी में कोई संक्रमण होने से, नाक की हड्डी के बढ़ने से भी यह संक्रमण ज्यादा दिखाई देता है कि उस व्यक्ति की नाक बहुत ज्यादा बहती है, बार बार सर्दी जुकाम लगता है और थोड़े दिन ठीक होकर के वापस होने लगता है। इसी प्रकार की अगर आपको एलर्जी बार बार होती है तो इसका मतलब यह है कि नाक की हड्डी में किसी प्रकार का संक्रमण हुआ है और उस हड्डी में भी बढ़ने की एक गुंजाइश होती है। इस कारण से भी आपकी नाक की हड्डी बढ़ सकती है। टर्मिनेट के अंदर सूजन आने लग जाएगी तो आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे आप हाथ लगाएंगे यहाँ पर तो दर्द महसूस होएगा। आपके इस एरिया में पूरा, जैसे साइनस बोला जाता है इस एरिया को, उस जगह पे भी आपको दर्द हो सकता है। कान के पीछे आपको दर्द महसूस हो सकता है, कभी कभी आपको सिर दर्द भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की नाक की हड्डी बहती है, उसका नाक बहना स्वाभाविक होता है, उसको बार बार नाक बहता है, वो चाहे कितना भी इलाज करते हैं लेकिन उनका नाक हमेशा बहता रहता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कई बार व्यक्ति रात को सोते समय पर खर्राटे भी लेता है, क्योंकि जब नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो पूरी तरह से आपके नाक के जो अंदर के श्वास नली पूरी खुली हुई नहीं होती है, उसके अंदर टेढ़ापन रहता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, काम बना ही रहता है। फेस पर भी आप जब हाथ को लगाते हैं तो दर्द महसूस होता है, कई बार आपको इस तरफ सूजन आ जाती है तो कई बार इस तरफ सूजन आने लगती है। तो नाक की हड्डी अगर आपको बढ़ती है या बड़ी हुई है तो आप आज के उपाय को कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो नाक की हड्डी बढ़ना बिल्कुल सही हो सकता है। 100% आपको रिजल्ट मिलता है अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत भी फिर नहीं होती। व्यक्ति को अगर नाक की हड्डी बढ़ती है, बार बार सर्दी जुकाम लगता है, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी रहती है, उसके लिए आप या तो सर्जरी करवाते हैं या फिर दवाइयां इतनी लेते हैं तो उससे आपको साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से और योग प्राणायाम की सहायता से आप आपकी नाक की हड्डी को बिल्कुल सही कर सकते हैं, श्वास लेने की जो तकलीफ आती है उसको सही कर सकते हैं, बार बार एलर्जी होती है, बदलते मौसम में एलर्जी होती है, उसको भी आप सही कर सकते हैं। और अगर आपको सर्दी जुकाम ज्यादा बना रहता है, कफ ज्यादा होता है, तो जो सर्दी जुकाम का कफ होता है वो आपके सिर के अंदर ना पहुंच जाए, इसीलिए आप पहले ही इस चीज को समझ ले, इस चीज के लिए उपाय को अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाक बहती रहती है और उसे ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं, जिसके कारण वो कफ जो होता है सिर के अंदर चढ़ने लगता है और अंदर जाकर के वो कहीं जमा हो जाता है, आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है या और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आज हम यहाँ पर दो उपाय करेंगे और दोनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पहला उपाय यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, बार बार एलर्जी होती है, नाक बहता रहता है, उस व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है।
अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को 20 मिनट से शुरू करके 1 घंटे तक करते हैं तो आप देखते हैं कि नाक की हड्डी बड़ी हुई भी बिल्कुल 100% सही हो जाती है। आपको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई दवाई खाने की जरूरत है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी भी हुई है तो भी वो सही आकार में वापस आने लगती है। आपको सांस संबंधी कोई तकलीफ नहीं होती, आपके नाक में से पानी नहीं बहता। प्राणायाम को अपनी लाइफ के अंदर उतार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मेरा हाथ है जो दर्द करने लग गया है, लेकिन आप रह रहकर उसे ही करिए। और इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं, चाहे आपने खाना खा रखा हो चाहे फिर नहीं खाना खा रखा। आप इसको कभी भी 10 मिनट कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर 10 मिनट कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। अगर इस तरह से इसे कंटिन्यू करेंगे तो नाक की हड्डी बढ़ना बिल्कुल सही हो जाएगी और कोई सर्जरी भी आपको नहीं करानी पड़ेगी। नाक की हड्डी बढ़ती है तो पूरे फेस पर सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, और उस सूजन और दर्द से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा उपाय भी बहुत ही अच्छा है जो आपके नाक के नथुनों के अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना है। किसी भी व्यक्ति के अंदर नाक की हड्डी बढ़ती है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो आपको कौन सा उपाय करना है? आपको लेना है गाय का देसी घी। अगर घर का बना हुआ देसी घी है तो बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है। आपको 1 चम्मच भरकर गाय का देसी घी लेना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। उसी के अंदर आपको सेंधा नमक मिक्स करना है। सेंधा नमक आप सभी लोग जानते होंगे कि सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, अगर आपकी हड्डी भी बढ़ रही है तो उसमें भी वो फायदा पहुंचाएगा। आपको क्या करना है, उसमें सेंधा नमक डाल करके उसे थोड़ा गर्म कर लेना है। फिर आपको गैस को बंद कर देना है। गुनगुने घी को आपको नथुनों के अंदर 1 या 2 बूंद डालना है। इस क्रिया को आपको रोज सोते समय करना है। इसको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी नाक की बड़ी हुई हड्डी बिल्कुल सही हो जाती है, आपको बार बार सर्दी जुकाम नहीं होता, एलर्जी नहीं होती, फेफड़ों में कोई संक्रमण नहीं पहुंचता और कफ भी बिल्कुल नहीं जमता। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं तो वो भी फिर आना बंद हो जाएंगे। नाक की हड्डी में कोई संक्रमण होता है या टेढ़ापन आ गया है तो इस उपाय को आप कंटिन्यू करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।